हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बचे हुए क्वेश्चंस। ये बुक है नीतू मैम का, केडी कैंपस या प्लेन टू पैरामाउंट के नाम से पब्लिश होता है। तो ये इंग्लिश का बहुत ही कॉमन बुक है, इससे आप आपके बेसिक इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ये सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए आज प्रोनाउन के बचे हुए क्वेश्चन कवर करते हैं। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था, आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। कांग्रेस पार्टी हो गया हमारा ये सब्जेक्ट, ठीक है। स्टूड हो गया इसके लिए वर्ब, फॉर हो गया प्रीपोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल, ये पूरा हो गया इसका ऑब्जेक्ट। एंड हो गया कंजक्शन, उसके बाद जो वॉज रेडी टू स्टेक, वॉज हो गया इस कांग्रेस पार्टी का वर्ब। तो कांग्रेस पार्टी कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज है, बिल्कुल सही है। रेडी टू स्टेक देयर पोलिटिकल लिख दिया, देयर किसके लिए लिखा गया है, कांग्रेस पार्टी के लिए। कैसा है ये, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे तो देयर कट जाएगा। क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन नॉन लिविंग के लिए क्या होता है, इट्स, पजेसिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42। ही इज नॉट वन ऑफ दोज, ही हो गया सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब आ गया इज, नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी। ये हो गया हु, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए वर्ब आ गया विल, हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी हुम दे मीट। यहाँ पे देखिए जो हुम के बाद लिखा है, ये जो प्रोनाउन है किसके लिए यूज किया गया है, क्या इनके लिए यूज किया गया है या फिर ही के लिए यूज किया गया है, ये आपको चेक करना है। तो देखिए क्या लिखा है कि ये ही इज नॉट वन ऑफ दोज, वह उनमें से नहीं है जो कि प्रत्येक टॉम डिक एंड हैरी को हेल्प करते हैं, हुम दे मीट, जिससे वो मिलते हैं। यानी जो हुम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो यहाँ पे लिखा गया है होम, वो किससे कनेक्ट कर रहा है, इन पीपल से, किन पीपल से, ये दोज, दोज किसके लिए आ गया है, जो प्रत्येक को हेल्प करते हैं। यानी यहाँ पे हम जो प्रोनाउन लिखेंगे वो इन्हीं के लिए लिखा जाएगा, तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, दे, होम दे, और यहाँ पे मीट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ, बोथ यानी दो की बात कर रहा है, वंस फ्रेंड एंड क्रिटिक्स एज महात्मा गांधी डिड। यहाँ पे देखिए फ्रॉम बोथ यानी दो, दो की बात कर रहा है, वंस फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स, किसकी क्रिटिक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम प्रोनाउन जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, वंस क्रिटिक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोथ बोथ वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स एज महात्मा गांधी डिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही यू एंड आई शेल अरेंज एवरीथिंग एंड शेल नॉट टेक देम फॉर हेल्प। ये जो प्रोनाउन है इनका अरेंजमेंट आपको आना चाहिए, अगर सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए सेल अरेंज एवरीथिंग एंड सेल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प, तो सेल अरेंज एवरीथिंग यानी एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, अगर ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो हमारा जो प्रोनाउन का ऑर्डर होगा वो होना चाहिए 2, 3 एंड 1। तो यहाँ पे 2 यानी सेकेंड पर्सन कौन सा होगा, यू, तो सबसे पहले आएगा यू, फिर इसको होगा थर्ड पर्सन कौन सा है, ही, तो यू, ही एंड आई, फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में आएगा, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉज इट मी, देखिए वॉज होता है अगर बी का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करे, मेन वर्ब की जगह काम करे अगर बी का फॉर्म, तो वो हमेशा क्या होता है, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, यानी मी नहीं होगा, क्या होगा, आई, आई सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज इट आई हु हैड टू फोर्स द म्यूजिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। तो ऑडियंस हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो ये सिंगुलर की तरह भी यूज हो सकता है इसका और प्लूरल की तरह भी यूज हो सकता है। तो पहली बात तो इसमें हम यस या यस नहीं जोड़ सकते, ठीक है, याद रखिए ये हमेशा इसी फॉर्म में होगा। तो ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, तो आर यूज किया गया इसके लिए, रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक ऑडियंस की बात किया गया है इंडिविजुअली, तो यहाँ पे हम इसको प्लूरल मानेंगे, तो यहाँ पे आर हो गया, टू बी इन इट्स, इट्स किसके लिए यूज किया गया, ऑडियंस के लिए, तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लूरल मानेंगे तो क्या होगा, प्लूरल प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देयर सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। द नंबर ऑफ व्हीकल्स, द नंबर हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट हो गया व्हीकल्स। प्लेइंग ऑन द रोड, जो ये प्लेइंग है किसके लिए यूज किया गया है, नंबर ऑफ व्हीकल के लिए, यानी ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, तो
प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली। अब ये जो इज आया किसके लिए आया है, नंबर के लिए। नंबर द नंबर कभी भी होता है, द नंबर, तो द नंबर हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो इज बिल्कुल सही होगा। इज मोर देन वन द रोड्स ऑफ बेंगलोर, तो यहाँ पे हमारी गलती कहाँ पे, देखिए द नंबर ऑफ व्हीकल प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ व्हीकल दिखा। देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है, यहाँ पे जो कंपेयर किया गया किसके साथ किया गया है, नंबर ऑफ व्हीकल के साथ ही। देखिए जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर हमेशा सेम चीज़ों के बीच में ही होना चाहिए, यानी अगर शर्ट का कंपेयर है तो दूसरे के शर्ट के साथ, किसी के हैंड राइटिंग की कंपेयर है तो दूसरे के हैंड राइटिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ व्हीकल प्लेइंग ऑन रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर, यानी दिल्ली और बेंगलोर के व्हीकल की बात किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इज मोर देन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर होगा, यानी यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, द नंबर ऑफ व्हीकल, लेकिन हम सेम चीज़ को रिपीट नहीं करते, इसलिए द नंबर कैसा सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट ऑफ ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर, ये हमारा करेक्ट होगा। अगर यहीं पे अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे क्या लिखते, दोज ऑफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। देखिए बीइंग अ डेस्टिट्यूट, इस तरह के वी वन प्लस आई एन जी से स्टार्ट होने वाले सब्जेक्ट सेंटेंस में इसका वर्ब सब्जेक्ट जो होगा वो इसके जस्ट बाद वाले क्लॉज का सब्जेक्ट होगा, यानी आई को अगर यहाँ पे हम सब्जेक्ट मान के चेक करेंगे, अगर ये आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर सकता है तो सही है, अगर नहीं कर सकता तो यहाँ पे हम दूसरा सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो चेक करिए, आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज हो सकता है क्या, अगर मैं ही डेस्टिट्यूट हूँ तो मैं अपने आप को कैसे ऑर्फनेज सेंड कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला, हिम, यानी यहाँ पे मेल हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 49, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वन टू वन के लिए जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, वंस प्रॉमिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड इन्जॉयड। देखिए इन्जॉयड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो आई यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, आई इन्जॉयड व्हाट, व्हाट यानी नाउन होना चाहिए, अगर यहाँ पे नाउन नहीं है तो यहाँ पे हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो आई वेंट टू शिमला यानी सब्जेक्ट कौन है, आई, तो यहाँ पे हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लिखेंगे, माई सेल्फ, ठीक है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका होना बहुत ही जरूरी है, इस तरह के वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है वहाँ पे अगर नहीं दिया है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आई इफ आई वर हिम, देखिए यहाँ पे ये वॉज वर लिंकिंग वर्ब, अगर लिंकिंग वर्ब है तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, यानी हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही। तो इफ़ आई वर ही आई वुड टीच हिम अ लेसन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बींग रेनी डे, देखिए ये फिर आई एन जी से स्टार्ट हो गया तो इसका सब्जेक्ट क्या है होगा, आई, अगर चेक कर लीजिए आई बींग रेनी डे कैसा संभव है, नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो इट बींग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर पासपोर्ट, देखिए वन हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसके लिए प्रोनाउन आया है देयर जो कि गलत है, वन के लिए कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, वंस पासपोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर शर्मा आर रिप्रेजेंटेटिव, देखिए इस तरह के सेंटेंस में अगर इस तरह का कोई फॉर्म दिया है कॉमा देकर फिर दूसरा कॉमा चालू है तो ये जो वर्ड लिखा है ये इसके बारे में बता रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, तो मिस्टर शर्मा के बारे में बता रहा है जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसको यहाँ से कंटिन्यू करिए, ही विल अटेंड द मीटिंग, देखिए ही किसके लिए यूज किया गया है, मिस्टर शर्मा के लिए, तो एक सब्जेक्ट पहले यूज कर लिया गया है तो दूसरा इसके लिए यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ब तो हमारे पास एक ही है, तो मिस्टर शर्मा विल अटेंड द मीटिंग, ये करेक्ट होगा, यहाँ पे ही कैंसिल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, ईच गर्ल्स वॉज गिवन टू पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड सी वॉज हैप्पी। देखिए ईच गर्ल हो गया हमारा सब्जेक्ट, वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, प्रत्येक को स्वीट्स का पैकेट दिया गया है एंड ही वॉज हैप्पी। अब देखिए ही किसके लिए दिया गया है, यहाँ पे तो डिफाइन नहीं किया गया है, इसको आप सेंस के बेस पर सॉल्व करना पड़ेगा कि प्रत्येक गर्ल को स्वीट का पैकेट दिया गया और वो खुश थी, यहाँ से कोई सेंस नहीं निकल रहा, तो हम क्या सोचेंगे यहाँ पे,
अब प्रत्येक गर्ल को दिया गया तो वो सारे खुश थे, यानी यहाँ पे हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ गर्ल्स का, यानी दे क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर हैप्पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज। देखिए कोई भी सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे माई सेल्फ नहीं, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा आई, आई एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। दूसरी बात, अगर दो प्रोनाउन एक साथ लिखा गया है तो इनका अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए, तो विल मैनेज एवरीथिंग एक पॉजिटिव सेंस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर 2 3 1, यानी पहला कौन होगा, यहाँ पे 2 तो है नहीं तो 3 1 होगा, तो ही एंड आई। ठीक है, ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। सब्जेक्ट हो गया द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन। देखिए हुज का यूज हम जब करते हैं जब इसका, इसके पहले जो लिखा है और ये उसके बाद वाले, इन दोनों का क्या हो, अधिकार हो। यहाँ पे देखिए रिवर तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इसका कोई अधिकार हो नहीं सकता, यानी यहाँ पे हुज लिखना तो गलत होगा, तो इस तरह वर्ड में हम क्या लिखेंगे, ओरिजिन ऑफ, जैसे दूसरा जो वर्ड लिखा है उसको हम पहले लिखेंगे ओरिजिन ऑफ विच, ये लिख देंगे तो यहाँ पे नया सेंस बन जाएगा, गंगा इज अ रिवर ओरिजिन ऑफ विच हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट इजंट इट। देखिए इजंट इट क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, क्वेश्चन टैग जो होता है ये, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं इसका, तो इज ये कैसा है सेंटेंस, पहली बात ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम नॉट जोड़ लेते हैं, तो इजंट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड कैसा है, सिंगुलर है, तो और ये मेल, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया तो मेल मानेंगे, तो मेल के लिए सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, ही, इजंट ही और क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ द बेटर ऑफ टू प्लेयर। यहाँ पे देखिए हु का यूज़ किया गया है प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, लेकिन आपको याद रखना है कि जब हम चूज करते हैं चीज़ों को छांटना है तो उसमें हम हमेशा विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो विच इज़ द बेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच, विच इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडर्स। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ द बेस्ट, क्या है ये, सुपर लेटिव डिग्री, द बेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर लेटिव डिग्री के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या होता है, दैट। ठीक है, सुपर लेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट ही आता है, तो इट इज़ द बेस्ट दैट द गवर्नमेंट कैन डू। अगला क्वेश्चन देखिए, नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो में से किसी की नहीं, यानी दो के लिए हमेशा नॉट के सेंस में नीदर का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है, नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी लिख दिया, नीदर यानी दो में से किसी एक, यानी ये हमेशा सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे मेल फीमेल नहीं बताया तो हमेशा मेल को रिफर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज मनी बैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन। देखिए फिर से वही सब, वही वाला सेंटेंस आ गया, द रोड और इनाग्रेशन, इनका कोई अधिकार नहीं होता, तो इस तरह के हम कैसे चेंज करेंगे, दिस इज द रोड इनाग्रेशन, इनाग्रेशन ऑफ विच। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इनाग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, मेनी वुमेन, याद रखिए मेनी अगर आ गया तो यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा, तो वुमेन बिल्कुल सही है। रिकनसाइल, रिकनसाइल एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता ही है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इनका जो है रिलेट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, तो मेनी वुमेन रिकनसाइल, अब वुमेन कैसे हैं प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 64, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। मे आई नो, आई के लिए वर्ब आ गया मे, और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब आ गया मे, और मेन वर्ब क्या हो गया आई, ये क्लोज हो गया। दूसरा, टू हु आई एम स्पीकिंग, अब देखिए ये हु लिख दिया है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हु यानी सब्जेक्टिव केस है, इसके लिए कोई वर्ब आना चाहिए, यहाँ पे कोई भी वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम हमेशा इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, क्या होगा, हुम आई एम स्पीकिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, द पर्सन
हु आई मेट एस्टरडे वॉज माई क्लासमेट, द पर्सन हो गया एक सब्जेक्ट, हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, आई मेट एस्टरडे ये हो गया आई के लिए सब्जेक्ट मेट, ठीक है। वॉज माई क्लासमेट, देखिए अ पर्सन एक सब्जेक्ट है और हु जो है सब्जेक्टिव केस है, यानी इसके लिए भी कोई वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे दिया है केवल एक वर्ब, जब एक वर्ब दिया है यानी ये तो मेन सब्जेक्ट के लिए दिया होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा हु। क्वेश्चन नंबर 66, ओइंग टू मी बीइंग अ न्यू कमर, देखिए यहाँ पे ये फिर आई एन जी से स्टार्ट है, यानी सब्जेक्ट इसका क्या होगा पीछे वाला, तो यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। आई ओइंग टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनएबल टू गेट अ न्यू गुड हाउस, देखिए तो मैं ही न्यू कमर हूँ तभी तो गुड हाउस पाने में अनेबल हूँ, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट का है उसका प्लेस बिल्कुल सही। दूसरा यहाँ पे गलती देखिए, ओइंग टू मी बींग लिखा है, देखिए बींग क्या होता है जीरंड फॉर्म होता है, यानी वी वन प्लस आई एन जी, अगर ये जीरंड की तरह यूज किया गया, नाउन की तरह यूज किया गया, तो इसके पहले क्या आना चाहिए एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे मी नहीं होगा, क्या होगा माई, ओइंग टू माई बींग अ न्यू कमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, देखिए इस तरह को हम कभी नहीं लिख सकते, अ गुड फ्रेंड ऑफ मी नहीं होता कभी, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है ये करेक्ट फ्रेज होता है, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अगला क्वेश्चन देखिए, इट वॉज हिम, फिर से वॉज क्या हो गया लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, यानी इट वॉज ही, क्या होगा इट वॉज ही। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, देखिए आई और राजू दो सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, राजू हो गया थर्ड पर्सन, तो अरेंजमेंट कैसा होता है 2-3-1, यानी सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, तो सेकेंड पर्सन तो है नहीं, यानी क्या होगा 3-1 का अरेंजमेंट, तो थ्री पहले होगा राजू, राजू एंड आई, ठीक राजू एंड आई लेफ्ट फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, आई विल सर्टेनली अवेल, देखिए अवेल भी एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा माई सेल्फ, ठीक है तो आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग ऑल टूगेदर एंड अट्रैक्टिव वॉल्यूम, देखिए क्या है यहाँ पे, द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड, वेल क्या हो गया एडवर्ब, तो इसके लिए इलस्ट्रेटेड क्या हो गया एडजेक्टिव, ठीक है एंड हो गया कंजक्शन, क्या है अट्रैक्टिवली बाउंड, तो ये दूसरा होगा यहाँ पे, ये एडवर्ब और ये एडजेक्टिव, मेकिंग ऑल टूगेदर, मेकिंग ऑल टूगेदर एंड अट्रैक्टिव वॉल्यूम, तो देखिए मेकिंग किसकी बात कर रही है, मेकिंग वॉट, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बुक, यानी यहाँ पे एक प्रोनाउन का भी जुड़ना जरूरी है, मेकिंग इट ऑल टुगेदर एंड अट्रैक्टिव वॉल्यूम, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिसाइड्स मी मेनी अदर वर प्रेजेंट, मेनी हो गया ऐसा डिटर्मिनेंट जो इसके बाद जो है प्लूरल सब्जेक्ट ही लेगा, यानी अदर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा अदर्स, मेनी अदर्स वर प्रेजेंट, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माई हाउस इज फार्दर देन हर्स, देखिए माई हाउस इज फार्दर देन, यहाँ पे क्या होना चाहिए माई हाउस इज फार्दर देन हर हाउस, क्या होना चाहिए हर हाउस, लेकिन हम सेम चीज को रिपीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं पजेसिव प्रोनाउन, यानी क्या लिखेंगे हर्स, ये वाला सिंपल हर्स, ये यहाँ पे जो लिखा है ये अपोस्ट्रॉफी नहीं लिखेंगे, सिंपल से ये पजेसिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, तो हर्ष होगा हमारा करेक्ट आंसर। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ही इज द पर्सन हुम एवरीवन टॉट हैज स्टॉलन द रिंग, देखिए ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, तो जब भी आपके पास कोई रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली सब्जेक्ट और उसके लिए वर्ब ये चेक कर लीजिए कि सबके लिए वर्ब है या नहीं, अगर वर्ब एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे होगा सब्जेक्टिव फॉर्म, अगर वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है तो चेक करते हैं। ही के लिए वर्ब हो गया इज द पर्सन हुम एवरीवन टॉट, तो एवरीवन के लिए क्या हो गया वर्ब टॉट, हैज स्टॉल इन द रिंग, तो देखिए जो एक्स्ट्रा लिखा है ये वर्ब किसके लिए होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म यानी हु, ठीक है हु के लिए आ जाएगा वर्ब हैज स्टॉल इन द रिंग। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन का सारे क्वेश्चन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।